नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच संजय विजयलक्ष्मी। आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेंथ और ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स। कोरोना काल में बहुत सारा पढ़ाई का हर्जा हुआ है स्टूडेंट्स का, और स्कूल्स क्लोज होने की वजह से पढ़ाई में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है बच्चों की। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई होप कि आप इन्जॉय करेंगे इसी वीडियो में। मैं आपको 7 स्टेप्स में आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो 7 स्टेप्स में बताऊंगा, और एक एक करके आप सारे के सारे ये स्टेप्स अपने ध्यान में रखिएगा। और 7 स्टेप्स हो सकता है मैं 2 वीडियोज़ में बनाऊँ, तो ये पार्ट 1 में मैं 3 स्टेप्स बताऊँगा, और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो दूसरे वीडियो में बनाऊँगा। पहला स्टेप है लैंग्वेज ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। पहले आपको ये समझना होगा कि इंसान का जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो किस तरह से जो है अंडरस्टैंड करता है फर्स्ट, और दूसरा अंडरस्टैंड करने के बाद लर्निंग क्या करता है। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो लर्न करता है, देखिए, या तो वो विजुअलाइजेशन में लर्न करता है, या तो वो इमेजेस लर्न करता है, या तो वो स्मेल लर्न करता है, या तो वो टच यानी कि फीलिंग से लर्न करता है। बाकी ब्रेन की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्या आप उसको इमेजिनेशंस कर सकते हैं, या उसको फील कर सकते हैं, तो वो जल्दी लर्न होगा। तो जो आपका सिलेबस है, जो भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको इन 4 चीज़ों में कन्वर्ट कीजिए, तो वो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती है कि ब्रेन को बार बार रिविज़न करना पड़ता है, ताकि ब्रेन का जो नॉलेज है, जो आप याद कर रहे हैं, उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो जो नॉलेज है आपका, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है, यानी कि हैबिट में पहुंचाना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं कि आप रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप जितने भी लोगों से पूरे दिन भर में मिलेंगे, उनके नाम आपको याद नहीं रहेंगे। आपको नाम किनका याद रहेगा, जो आपको 2-3 बार कम से कम मिल चुके हों, या बार बार उनका रिपीटेशन होता होगा, तो उनका आपको नाम याद हो जाता है। तो इसी तरीके से जो आपने लर्न कर रखा है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना होता है, और फिर उसको हैबिट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो क्या स्टेप है इसके लिए, देखिए, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए होती है, यानी कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर भूल जाएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका नॉलेज जा रहा है। इसको 24 घंटे के अंदर अंदर जब आप दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर इसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, और 7 दिन के बाद अगर जो आप इसे 21 दिन के अंदर फिर रिवाइज़ करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट बना लेते हैं, जो भी आप मैथमेटिक्स का आप करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी क्वेश्चंस वगैरह, जो भी चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको आपको आदत में डालना है, हैबिट्स में बनानी है। तो आपको 3 बार रिवीजन ज़रूरी चाहिए, पहला विद इन 24 आवर्स, सेकेंड विद इन 7 डेज, एंड थर्ड वन इज़ विद इन 21 डेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थर्ड स्टेप हाईली प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी पढ़ाई में। आप कभी तो 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर 1 हफ्ते तक आपने डिसकंटिन्यू कर दी पढ़ाई, तो जाहिर सी बात है इसका आपको रिजल्ट बहुत कम मिलने वाला है। आप कंसिस्टेंसी ले पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी से पढ़े, 2-3 घंटे जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3 स्टेप्स थे। नेक्स्ट स्टेप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी सारे स्टूडेंट्स तक भी मेरे ये वीडियो पहुंचाएं। जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।